हाय एवरीवन, दिस इज़ सीए नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। HUF अपने आप में एक बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग टूल है। काफ़ी लोग HUF को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में टैक्स सेव करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस साल मुझे नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में एज ए फैसिलिटेटर सेलेक्ट किया गया है। इट मीन्स अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे गोल्ड अवार्ड मिलेगा। बट येस, उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट और साथ में आप लोगों की वोट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, काइंडली वहाँ जाके आप प्लीज़ अपना वोट दे दीजिए अगर आपकी मैंने कभी भी किसी भी वीडियो के थ्रू छोटी सी भी हेल्प करी है तो। और साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आपने नॉमिनेट कर दिया है। एंड अगर हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव जिन जिनके थ्रू आप लोग वोट दिलवा पाएंगे, वो बहुत बड़ा एक मेरे सपोर्ट होगा, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा अगर मैं इस अवार्ड को जीत जाती हूँ तो। HUF के कंसेप्ट को कवर करने के लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई है जो आप मेरे चैनल पर जाके डिटेल्ड में देख सकते हैं अगर आप HUF की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो। बट HUF में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी है कि HUF को मिलने वाले गिफ्ट का क्या करें। कुछ लोगों को लगता है कि HUF में जो इनिशियली गिफ्ट रिसीव होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, बाद में जो गिफ्ट रिसीव होता है वो टैक्सेबल है। अगर मैं बात करूँ HUF को फॉर्म करने की, तो कुछ उसको बनाने का तरीका ही ऐसा है कि आपको गिफ्ट रिसीव करना ही पड़ेगा। तब जब आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि वो जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं वो तो टैक्सेबल है नहीं, तो एज़ मच एज अमाउंट का गिफ्ट आप रिसीव कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HUF में चाहे इनिशियली गिफ्ट मिले चाहे बाद में गिफ्ट मिले, आपको टैक्सेशन ऑन गिफ्ट के रूल को पढ़ना है और फिर उसको यहाँ अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल है चीज़। अलग से HUF में कोई गिफ्ट पे टैक्सेशन की बात नहीं हो रही है। जो नॉर्मल रूल्स फॉलो हो रहे हैं वही रूल्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। अब इनको समझ लेते हैं डिटेल में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक देखना, आई एम श्योर आप लोग इसे इन्जॉय करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। अगर आप HUF बनाने वाले हैं या बना रहे हैं तो उस केस में आप लेट से एक गिफ्ट रिसीव करते हैं डीड के थ्रू और उस गिफ्ट के थ्रू आप HUF बनाते हैं। अब जो आपने गिफ्ट रिसीव किया, दो एग्जाम्पल लेती हूँ। पहला एग्जाम्पल, अगर वो लेट से 10,000 रुपीज़ का है तो क्या टैक्सेशन इम्पैक्ट रहेगा, अगर वो गिफ्ट 1 लाख का है तो क्या टैक्सेशन इम्पैक्ट रहेगा। इन दोनों ही कंडीशंस में, 10,000 और 1 लाख की कंडीशन में, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि रिलेटिव है या नहीं जिससे गिफ्ट आ रहा है। अब रिलेटिव को भी अगर हम छोड़ दें, वो भी हम चेक करेंगे, पहला तो अमाउंट हो गई, दूसरा रिलेटिव हो गया कि वो रिलेटिव है या नहीं चेक करना पड़ेगा, तीसरा HUF में को पार्टनर है या नहीं वो भी चेक करना होगा। कोई भी अगर गिफ्ट HUF का मेंबर HUF को गिफ्ट करता है तो HUF में तो वो टैक्सेबल नहीं है, बट जो भी उसको गिफ्ट कर रहा है HUF के अंदर, उससे जनरेट होने वाली इनकम उसी पर्सन के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविज़न यहाँ पे लग जाएंगे। तो अब यहाँ पे जब क्लबिंग की प्रोविज़न लग गई तो टैक्सेबल जिसने गिफ्ट करी है उसी के हैंड में उससे जनरेटेड इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई अगर HUF के मेंबर HUF में गिफ्ट देते हैं तो। अब बात करते हैं कि लेट्स से जो HUF का करता है उसके कोई रिलेटिव HUF में गिफ्ट देता है तो क्या वो टैक्सेबल है। सबसे पहले तो यहाँ पे रिलेटिव वो नहीं हुआ, जो HUF का करता उसका जो रिलेटिव है, अगर वो कोई यहाँ पे HUF का गिफ्ट दे रहा है तो वो रिलेटिव नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो गिफ्ट एनुअली टोटल जो रिसीव कर सकती है HUF, अगर वो 50,000 तक का है तो वो टैक्सेबल नहीं है, अगर 50,000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल है। तो अगर आपने HUF फॉर्म करते वक्त 10,000 से HUF को फॉर्म किया था तो उसके ऊपर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट येस, एनुअली वो 10,000 ही रहना चाहिए, मतलब एनुअली 50,000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट वहीं अगर आपने 50,000 से ज़्यादा उसमें पैसे दिए या लिए HUF के अंदर, HUF को फॉर्म करते वक्त या इनिशियल या कभी भी टोटल पूरे साल में, तो आपको उस पर टैक्स पे करना है, वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। 50,000 से ऊपर, 50,000 की वैल्यू से ज़्यादा मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल है, वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। मतलब वो गिफ्ट तो है बट आपको उस पर टैक्स देना है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि HUF में कोई डिफरेंट प्रोविजन्स नहीं लग रहे हैं, सेम प्रोविजन जो गिफ्ट के हैं वही HUF पे लग रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव कौन है कौन नहीं है, HUF का करता तो नहीं गिफ्ट दे रहा, इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना और HUF का टैक्सेशन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो आई होप आपको एटलीस्ट गिफ्ट की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई HUF के लिए। अगर स्टिल आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।